मीनारे पाकिस्तान पर ग्रेटर इकबाल पार्क के गेट पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने ताला तोड़ दिया और ताला तोड़ने के बाद लीगी कारकुन स्टेज बनाने का सामान लेकर ग्राउंड में दाखिल हो गए। मजीद तफसीलात क्या है, फारहान यामीन हमारे साथ होंगे। फारहान बताएगा हालात क्या है यहाँ के। जी बिल्कुल, लाहौर का इस वक्त जो सियासी पारा है वो पूरे अरूज पर है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से 13 दिसंबर को जलसा यहाँ पर करना है, जिसकी मेज़बानी में अपोजिशन जमातें यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई। गुज़िश्ता रोज़ से ही जो अपोजिशन जमातों के सरकर्दा लीडर हैं वो मीनारे पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गए थे। बिलाल यासिन यहाँ पर मौजूद रहे थे। कल जो मीनारे पाकिस्तान के हयात है उसके ताले तोड़े गए थे, जिसके बाद जो स्टेज बनाने का जो थोड़ा बहुत सामान था वो पहुंचाया गया था। ताम आज सुबह जिस वक्त कुर्सी और लाइटिंग का सामान पहुंचाना शुरू किया तो इंतजामिया की जानिब से एक दफ़ा फिर गेट नंबर 5 जो के जहाँ से सामान ने इंटर होना था मीनारे पाकिस्तान, उसे ताला लगा दिया गया था, जिसके बाद कारकुनान की जानिब से ताला तोड़ दिया गया और सामान को जो मीनारे पाकिस्तान उसके हाथे में दाखिल कर दिया गया। मेरे कब में देख सकते हैं कि लाइटिंग लगाने का अमल शुरू कर दिया है, कुर्सियाँ बिछाई जा रही हैं, कारकुनान यहाँ पर अपनी अपनी पार्टी के नारेबाजी कर रहे हैं। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून की खवातीन मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, इंतजामिया अगर रोड अटकाएगी तो जलसा नहीं होगा? होगा, इंशाल्लाह होगा। डर जाएंगे? ये जो मर्जी कर ले, लेकिन जलसा हो के रहेगा। आपको लगता है कि इंतजामिया इस किस्म के ताले लगाएगी, रोकेगी तो आप लोग डर जाएंगे? हम क्यों डरेंगे, इनकी चीखें निकल गई हैं। आप तो ये खुद डर रहे हैं, खुद मांग रहे हैं, ये खुद भागना चाह रहे हैं। खुद भाग रहे, आप क्या कहेंगी? मैं तो चाहती हूँ इसे जाना चाहिए, जितनी इसकी इज्जत हो गई है ना इसे घर जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये कारकुनान है खवातीन जिसका जोशो और जज्बा आप देख रहे हैं, उनका कहना है कि जलसा हर सूरत में होगा, इमरान खान को यहाँ से जाना चाहिए। कारकुनान यहाँ पर मौजूद है पीपल्स पार्टी के भी, नून लीग के भी और जमीयत उलमा इस्लाम के भी। जी बहुत शुक्रिया फरहान यामीन आपका।